अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मेरा दिल कर रहा था शाही टुकड़े आपके साथ शेयर करूं रेसिपी और ख़ुद भी इंजॉय करूं बना के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके साथ पहले इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूं। एलमंड्स, क्रीम, कोकोनट पाउडर, ये मिल्क, ब्रेड और एक नॉनस्टिक का पैन और चम्मच। ओके, एक टेस्ट लेंगे, उसे लेंगे दूध आकर देंगे। इसको हम कुक होने के लिए रख देंगे। जब दूध में बॉयल आ जाए, इसके अंदर मैंने इलायची ऐड की है, इलायची के दाने एंड 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। ये दूध को 10-15 मिनट हम बॉयल करने के लिए अच्छी तरह से इसको पकाएंगे ताकि थिक लेयर हो जाए। दूसरी साइड पे हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। ये देखिए ब्रेड के इस तरह से ब्राउन साइड के जो स्लाइसेस हैं वो हमने उतार लिए हैं। ये देखिए ब्रेड की हमने ब्राउन स्लाइसेस साइड से कट कर दिए हैं और इनको इस शेप में हमने काटा है। अब हम नॉन स्टिक का पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 2-3 टेबल स्पून। इसके अंदर अब ब्रेड ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको पैन के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए लाइट ब्राउन इसका कलर हो गया। अब इसको डिश आउट कर लेंगे लाइक दिस। ये देखिए जो हमने दूध बॉयल किया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको गार्निश करेंगे। ये एलमंड चॉपिंग है इस तरह से। ये देखिए मैंने एलमंड्स और क्रीम के साथ इसको डेकोरेट किया। अब इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड कर दूंगी। फाइनली हमारी स्वीट रेडी हो गई है।